नहीं है कि इन्होंने जीत, ये छीनी गई हैं और छीनी इनके जबड़ों से छीनी गई हैं। खास किस्म की सोच के साथियों को जो रजीम चेंज के खिलाफ थे या इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां हुई हैं। गवर्नमेंट खत्म, कहानी खत्म, ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, ये मेरे और आपकी नजरों में एक्सपोज हो चुके हैं। सर मुझे बताएं जो इलेक्शन हुए हैं 17 जुलाई को, ये सीटें इन्हें दी गई है कि इन्होंने जीत, ये दी नहीं गई है, ये छीनी गई है और छीनी इनके जबड़ों से छीनी गई है, अपने दम पे छीनी गई है, अपने जोर से छीनी गई है। अगर ये देना ही होता तो ये रजीम चेंज ऑपरेशन ना होता। ये इमरान खान ने जो जीता है ना, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि किसी ने, अकेले आदमी ने पूरे सिस्टम के खिलाफ जाकर अपनी सीटें वापस ली हो। तो इमरान खान के ऊपर इतने कोई ये जो है ना वो मेहरबान नहीं हो गए कि ऐसे सीटें दे दें। इमरान खान ने अपनी ताकत से, अपने दम से, अपने जोर से, जबड़े से सीटें छीनी हैं। रजीम चेंज में क्या हकीकत है आपके? रजीम चेंज इज रियलिटी है, सबसे बड़ी रियलिटी है। आपको हकीकत नज़र नहीं आती है इसमें कि मतलब रातों रात आपकी मुल्क की इकोनॉमी को डिट्रैक्ट कर दिया जाता है, रातों रात आपके मुल्क का फटा पिटा दिया जाता है, रातों रात जिनके ऊपर जो है वो आपने फर्ज़-ए-जुर्म लगा के जेल में डालना था उनको रातों रात आप वज़ीर आज़म बना देते हैं, रातों रात लोगों के ज़मीर जाग जाते हैं जो इमरान खान के साथ खड़े रहे और 4 साल इक्तदार के मज़े लेते रहे, रातों रात उनके ज़मीर जागते हैं। तो ये कौन सी जड़ी बूटी संजीवनी बूटी ने काम किया है, ये रजीम चेंज ऑपरेशन ही हुआ है। ऐसा जर्नलिस्ट जो पाकिस्तान में हो रहे हैं, आपको क्या लगता है जर्नलिस्ट यहाँ सेफ हैं? जर्नलिस्ट टफ क्वेश्चन, फेल वक्त तो मुझे लगता है सेफ्टी रिलेटेड इशूज़ हैं जर्नलिज्म में यहाँ आज़ादी से, ख़ास तौर पर इस रजीम के अंदर। ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद तो सहाफ़ियों के लिए मसले मसाइल बड़े हैं। आपको नज़र नहीं आता है ख़ास किस्म की सोच के सहाफ़ियों को जो कि इस रजीम चेंज के खिलाफ थे या इस गवर्नमेंट के खिलाफ बोलते रहे, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हुई हैं। आपको नहीं पता इमरान राज के साथ क्या हुआ, आपको नहीं पता सिद्दीक जान क्यों ऑफेयर है, आपको नहीं पता मलिहा हाशमी क्यों ऑफेयर है, आपको नहीं पता कि मुझ जैसे बंदों को क्यों टीवी से हटाया गया और बहुत सारे और बंदे उमर दराज गुंदर को क्यों हटाया, बहुत सारे लोगों को जो है ना वो हटाया गया है। और उसके पीछे अगर आप स्टिल आपको लगता है कि जर्नलिज्म बड़ी जो है ना वो आसानी से की जा सकती है तो फिर उस पर उन्होंने तो हटा लिया, आप डिजिटल मीडिया को कहाँ देखते हैं? इमरान खान का वज़ीर आज़म बन जाना दोबारा से, या आप इंशाल्लाह डिजिटल मीडिया की ताकत देखें, ये 17 सीटें मिल जाना डिजिटल मीडिया की ताकत। खबर मिल रही है कि फिर से MPs को खरीदना शुरू हो गए, और ये आप दो दिल कर लें, ये अपने हर पे पूरे आजमाएंगे असम्बली इंशाल्लाह नज़ीम, अच्छी अच्छी खबर निकली। और मैं कहता हूँ मिसाल लें कि इन खरीदे हुए MPs की वजह से हमजा शहबाज जो हैं वो बन जाते हैं वज़ीर आला, नहीं हटते हैं तो क्या होगा? ये एक्सपोज हो चुके हैं, ये सिस्टम एक्सपोज हो चुका है, ये मेरे और आपकी नज़रों में एक्सपोज हो चुके हैं। सो लिहाजा अब कोई इसमें जो है ना वो कोई मसले वाली बात रह नहीं गई है, ये अब वो कहते हैं ना दीवार पे लिखी गई बात है, सो अब ये दीवार पे लिखा जा चुका है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसे इम्पोर्टेड गवर्नमेंट भी कहा जा रहा है, आप इसका फ्यूचर क्या देखते हो? कौन केस ना, गवर्नमेंट खत्म, कहानी खत्म, हाँ रिश्ता, अब अगली सोचे। नाज़रीन नजमुल हसन बाजवा साहब की आपने बात सुनी, इनका जो एक्सपीरियंस था, जो ये देखते हैं, जो बताते हैं, वो भी आप यूट्यूब पे भी सुनते होंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ पे भी आपने सुना। इंशाल्लाह एक दोस्तों के साथ इंशाल्लाह फिर से हाजिर होंगे। फिर मेरे पास बैठ के बिल्कुल जा दीजिए, अल्लाह ने के बाद।